डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी, पीरियडिसिटी प्रॉपर्टीज रिपीट करना, प्रॉपर्टी का रिपीट करना, पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे मेंडेलिक, मेंडेलिक पीरियडिक फंक्शन, मेंडेलिक पीरियडिक टेबल। डोबेरिनर ट्रायड थ्रू न्यूलेन ऑक्टावस थ्रू, आफ्टर द मेंडेलिक पीरियडिक टेबल एंड आफ्टर दिस लॉन्ग ऑफ द पीरियडिक टेबल, लॉन्ग ऑफ द पीरियडिक टेबल गिवन बाय मोजले, इसको मोजले ने दिया। ये मेंडेलिक पीरियडिक टेबल क्यों अनसक्सेस रहा, क्योंकि इन्होंने बताया था किसी भी एटम का जो प्रॉपर्टी है वो उसके एटॉमिक मास के पीरियडिक फंक्शन, एटॉमिक मास, इसने एटॉमिक मास को बताया, एटॉमिक मास। तो पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट को सजाया जाए, जितने भी एलिमेंट को रखा जाए उनके एटॉमिक मास के क्रम में रखा गया, बाद में उसे तमाम अपोजिशन और उस पीरियडिक टेबल को हम लोग उसके पश्चात हमारे लॉन्ग फॉर्म का पीरियडिक टेबल है जिसको मोजलन दिया। लॉन्ग फॉर्म का पीरियडिक टेबल आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का पीरियडिक फंक्शन है। दिस एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 2, फिर एटॉमिक नंबर 3, फिर एटॉमिक नंबर 4, इस तरह से सजाया गया है। और पीरियडिक टेबल यहां छोटा सा पार्ट आपको बनाया गया है, इसमें हमने दिखाया है ये सबसे जो आपका बाएं साइड है जिसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, दाएं साइड में आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट को दिखाता है, बीच में आपका पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट है, और इन सबसे जुदा सबसे अलग क्या है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट। चार ब्लॉक में पूरे एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया है और अब तक 118 एलिमेंट हमको ज्ञान है, अब तक 118 एलिमेंट हमको ज्ञान है, जिसमें अलग अलग डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और जो पहला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली ऑर्गेनिक्स, और सेकंड को हम कहते हैं एल्कलाइन ऑर्गेनिक्स, इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन, एल्कलाइन और मेटल। पी ब्लॉक और इनका जो नेचर है एस ब्लॉक एलिमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनका NS1-2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS1-2 मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपका NS1 भी हो सकता है और NS2 भी हो सकता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं NS2, इनको हम लोग NS1 भी ले सकते हैं और NS2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस यस के आप एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, यस के आप दो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन है जिसको हम कहते हैं एल्कली ऑर्बिटल, अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन भी है जिसको हम बोलते हैं एल्कलाइन ऑर्बिटल, यहां पे एल्कलाइन ऑर्बिटल ही एल्कली ऑर्बिटल है, दो पार्ट में डिवाइड है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पेपर में बहुत पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लोग लिखते हैं NS1-2 मींस यस में आपके एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और यस में आपके दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी NS1-2। यस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बड़े ही सॉफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ये जितने भी एलिमेंट हैं सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो एल्कली ऑर्बिटल के एलिमेंट हैं उनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एल्काइन ऑर्बिटल के एलिमेंट जितने होते हैं उनके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो सॉफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है एस ब्लॉक के एलिमेंट, यहाँ लिखा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स रिडक्शन कराने वाले, दूसरे एलिमेंट का दूसरे कंपाउंड का जो रिडक्शन करा दे, रिडक्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करा दे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दे, इलेक्ट्रॉन को दे दे, ऐसे लोगों को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब इनकी टेंडेंसी है सॉफ्ट एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन
ब्लॉक एलिमेंट को हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, कार्बन करते हैं, नाइट्रोजन करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, हाइड्रोजन करते हैं, पकड़ोगे। और लास्ट में आपके इनर्ट गैस आ गया है। इनर्ट गैस क्या था? हाइड्रोजन था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनन एंड रेडॉन। सबसे लास्ट एलिमेंट दिए गए हैं जिसको हम लोग कहते हैं इनर्ट गैस कंपाउंड। इस इनर्ट गैस कंपाउंड में आपका जो हीलियम है, हीलियम का बिहेवियर सबसे डिफरेंट है। हीलियम का बिहेवियर सबसे डिफरेंट होने का कारण मोस्ट इंपोर्टेंट अटेंशन प्लीज, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 एंड देयर एटॉमिक कंपोजिशन विल बी 1s2। हीलियम इज 2h4 2h4 एंड देयर एटॉमिक कंपोजिशन विल बी 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखने के बाद पता चलता है कि यस ब्लॉक एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से पता चलता है कि यस ब्लॉक एलिमेंट है, जबकि यस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। एक्सेप्शन, अटेंशन प्लीज, यस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है क्योंकि यस में इलेक्ट्रॉन होते हुए भी यस ब्लॉक एलिमेंट हीलियम नहीं है, एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है। हीलियम जो है सबसे लास्ट जगह ना मिलकर के पी ब्लॉक में जगह मिलती, ठीक है। स्ट्रांग रिड्यूसर पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट जो यहां पे एलिमेंट आपने लिखा है ऐसा पी ब्लॉक एलिमेंट है। इन पी ब्लॉक एलिमेंट में अलग-अलग कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम लोग देखते हैं कि मोस्टली क्या होता है, नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, जिन्होंने दे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। किसी भी एटम का वह प्रॉपर्टी जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर सके, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन का पुल कर सके, ऐसे एटम को इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग हाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ भी यूनिट नहीं होती है, मीन्स यूनिट लेस होता है। पूरे पीरियाडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका फ्लोरीन है, मीन्स हाइड्रोजन फैमिली में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका फ्लोरीन है। इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। पी ब्लॉक एलिमेंट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लोग लेते हैं NH2 NP126, मीन्स NH2 NP1 NH2 NP2 NH2 NP3 NH2 NP4 NH2 NP5 NH2 NP6 उसी के आधार पे अलग अलग पार्ट में यहाँ पे फैमिली डिवाइड किया गया है। मीन्स NH2 NS1 होगा तो आपका पहला फैमिली, NH2 NP1 होगा पहला पार्ट मिलेगा, P2 होगा दूसरा, P3 की तीसरा और P6 होगा तो आपको इनर्ट गैस मिलने वाले, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन के तीन हो जाएगा। तो पी ब्लॉक मीन्स इनर्ट गैस के आपके एलिमेंट कंपाउंड मिलने वाले हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 NP126 NH2 NP126 इनके नेचर क्या है? मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स, ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या है? नॉन मेटल है। ज्यादा एलिमेंट्स क्या है? नॉन मेटल है। तो उसमें सब एलिमेंट्स आर मेटलॉइड, सब एलिमेंट्स आर मेटलॉइड। मेटलॉइड प्रॉपर्टी होती है जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की जो प्रॉपर्टी होती है उसको लोग कहते हैं मेटलॉइड। मतलब थोड़ा सा करैक्टर मेटल का भी हो, थोड़ा करैक्टर नॉन मेटल का हो, ऐसे एलिमेंट के करैक्टर को हम लोग कहते हैं मेटलॉइड। अब हम लोग आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में जो बीच का होता है उसको हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट मीन्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में इसको जगह मिली है, इसलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। मीन्स इधर आपका एस ब्लॉक है, इधर आपका पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच में शिफ्टिंग होने के कारण इस ब्लॉक को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट और इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कहने का कारण क्या है कि इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब एक एक एलिमेंट के कई कई ऑक्सीडेशन स्टेट आपके शो होते हैं, जिसके कारण इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी, इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिज्म, कलर का फॉर्मेशन,
क्रिस्टल फिलिंग स्ट्रिपिंग सब डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। बी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कई बार प्रश्न में पूछा गया है। बी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन यहां लिखा है NS02 02। अभी हम लोगों ने देखा स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन किया, तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में स्कैंडियम से जिंक में क्रोमियम भी आपका एक्सेप्टर था, कॉपर भी आपका एक्सेप्टर था। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 3d5 4s 1 था और कॉपर का 3d10 4s 1 था। बाकी जितने भी एलिमेंट थे सबका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में लास्ट में टू इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट। तो यहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या रहेगा, ns02 2 n-1 d 1 to 10, मतलब इलेक्ट्रॉन आपका 1 टू 10 होगा। दूसरी चीज, एक चीज अटेंशन प्लीज, ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट, ये दो अलग-अलग मैटर है भाई। कोई नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट ये दो अलग-अलग मैटर है। डी ब्लॉक के परिवार में इंट्री होना, डी ब्लॉक के एलिमेंट में रहना, डी के परिवार में रहने वाले एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं है, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन एडजॉर्प्शन और एडिशन स्पेक्ट्रा शो नहीं करता है, तो ऐसे एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हुए भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट एंड डी ब्लॉक एलिमेंट ये दो डिफरेंट टर्म है। डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब डी के परिवार में आपको जगह मिल गई डी ब्लॉक एलिमेंट में। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का जंपिंग होना चाहिए, लोअर एनर्जी से हायर लेवल में इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में नहीं जा रहा है या हायर लेवल से लोअर लेवल में नहीं आ रहा है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा। पहले 3D सीरीज में जिंक एलिमेंट पहला था, जो जिंक सबसे लास्ट में, उसी तरह 4D में लास्ट, उसी तरह 5D में लास्ट। जितने डी ब्लॉक के जो लास्ट एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों? उनके डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जिसके कारण उसमें किसी भी प्रकार का एक्साइटेशन पासिबल नहीं। अगर एक्साइटेशन पासिबल नहीं है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हुए भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहे जाएंगे। मोस्ट ऑफ कलर या किसी कलर में जाकर डी ब्लॉक एलिमेंट या कलर का ट्रांजिशन हो रहा है। कलर के ट्रांजिशन में मेन कारण क्या है, जब भी हमारी क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग होती है तो आपके डी ऑर्बिटल दो पार्ट में टूट जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं P2G एंड EG। P2G को हम लोग कहते हैं ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल एंड EG ऑर्बिटल को हम लोग कहते हैं डबली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन P2G से EG ऑर्बिटल में या EG ऑर्बिटल से P2G ऑर्बिटल में एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा शो करता है तो उस दौरान हमारा कलर का ट्रांजिशन होता है। तो मोस्टली एलिमेंट में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है नंबर D1 to 10 है। ट्रांजिशन एलिमेंट आपका 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा। क्यों? 10 इलेक्ट्रॉन जो D10 इलेक्ट्रॉन है वो फुली फिल्ड है, मीन्स इलेक्ट्रॉन P2G पे भी पूरा भरा है और EG पे भी भरा है, इसलिए किसी प्रकार का ट्रांजिशन या किसी प्रकार का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या किसी प्रकार का एमिशन स्पेक्ट्रा मिलने वाला नहीं है। तो 3D सीरीज का पहला लास्ट एलिमेंट, 4D सीरीज का लास्ट एलिमेंट, 5D सीरीज का लास्ट एलिमेंट, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हुए भी कलरलेस होते हैं, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का फिलअप होता है और किसी प्रकार का ट्रांजिशन उसमें पासिबल नहीं होता है। तो या तो कलरफुल कौन होगा, या कलरफुल उसमें होगा जो डिस्मिट D1 से D9 तक इलेक्ट्रॉन खींचते हो उनके कंपाउंड कलर होंगे। कलरलेस कौन होगा वह होगा जिसमें डी में या तो इलेक्ट्रॉन ही ना हो या तो डी में पूरी तरह से
सही काम करा, या तो फुलफिल्ड हो या तो पूरी तरह से वैकेंट हो, ऐसे डीआर विकल्प कलरलेस कंपाउंड बनाते। यहां पे 100 पैरामैग्नेटिज्म, जब इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग करते हैं, अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलता है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब पैरामैग्नेटिक शो करता है, दो इलेक्ट्रॉन है तभी पैरामैग्नेटिक, तीन पे भी पैरामैग्नेटिक, चार पे भी पैरामैग्नेटिक, पांच पे भी, छह पे भी, सात पे भी, आठ पे भी और नौ पे भी, सब पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं एक्सेप्ट डी10, जो डी10 वाला इलेक्ट्रॉन है जिसके पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन थोड़ा फिलर होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक ना होकर के डायमैग्नेटिज्म शो करता है। तो 10% आपका डायमैग्नेटिक है, 90% आपका पैरामैग्नेटिज्म, तो यही लिखा गया शो पैरामैग्नेटिज्म, यहां मोस्टली आपके पैरामैग्नेटिक करते शो करते यूज एज ए कैटलिस्ट, यूज एज ए कैटलिस्ट। डी लॉग एलिमेंट को हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वेरिएबल है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेबल है, चेंज हो सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होने की इनके पास कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, निकाल द वेरिएबल वैलेंसी। यह ब्लॉक एलिमेंट, यह ब्लॉक एलिमेंट, यह ब्लॉक एलिमेंट अगर डी ब्लॉक के अंदर से आने के कारण इसको हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के अंदर से इनकी होती है इसलिए इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में इसमें आपके तीन ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, तीन ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, तीन ऑर्बिटल आपके वैकेंट होते हैं, ns2 n के पहले क्या होगा n-1 और n के n-1 के पहले क्या होगा n-2। तो ns2 n-1 d d में आपके 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन n-2 f में 1 से 14 मींस f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 इतने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होने के कारण लैंथेनाइड में आपके 14 एलिमेंट होते हैं, क्योंकि एफ में टोटल सीट आपकी 14 होती है, तो लैंथेनाइड में 14 एलिमेंट और एक्टिनाइड में 14 एलिमेंट होते हैं। लैंथेनाइड में आपकी स्टार्टिंग जो होती है LA से लेकर के LU, LA एलिमेंट से लेकर के LU तक जो एलिमेंट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लैंथेनोइड्स। अटेंशन प्लीज, लैंथेनोइड्स एंड लैंथेनाइड्स, दीस टू आर द डिफरेंट टर्म्स। लैंथेनोइड्स मींस LA, LA को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। अच्छा, अब LA को इंक्लूड करेंगे उस केस में टोटल एलिमेंट आपके हो जाएंगे 15। अच्छा, अब LA को हटा देंगे हम लोग तो आपका टोटल एलिमेंट बचेंगे 14, और उन 14 एलिमेंट को हम लोग कहते हैं लैंथेनाइड्स, उन 14 एलिमेंट को हम लोग कहते हैं लैंथेनाइड्स। ए ब्लॉक एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, धीरे धीरे इंपॉर्टेंट। ns2 n-1 d1 0 होगा या 1 होगा, n-2 f2 f1 14। अब देखिए ये ब्लॉक एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लैंथेनाइड्स लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अब लैंथेनाइड्स में जितने भी एलिमेंट हैं, लैंथेनाइड्स में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें केवल एक एलिमेंट आपका पीएम जिसको कहते हैं प्रोमेथियम, प्रोमेथियम आपका रेडियो एक्टिव है, बाकी लैंथेनाइड में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रेडियो एक्टिव हो, लेकिन एक्टिनाइड्स में ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। एक्टिनाइड्स के जितने भी एलिमेंट हैं 14 एलिमेंट, सब के सब क्या है, रेडियो एक्टिव, ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। अटेंशन प्लीज, यहाँ पे जो एक्टिनाइड्स के जो तीन एलिमेंट्स आपके जो स्टार्टिंग के हैं पीएच पीए एंड यू, यू मींस एलियनम थोरियम से पीए एंड यू, ये आपके नेचर में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं नेचुरल एलिमेंट, नेचुरल एलिमेंट। लेकिन यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट आपके एक्टिनाइड्स में पाए जाते हैं वो सब आर्टिफिशियल है, और आर्टिफिशियल होने के कारण उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस यूरेनिक या ट्रांस यूरेनियम, ट्रांस यूरेनिक और ट्रांस यूरेनियम, यूरेनियम के बाद यूरेनियम कहते हैं इनको, हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मींस मैनमेड है, कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम के बाद जितने एलिमेंट है सब आर्टिफिशियल है। अब
अभियान को आते हैं लॉन्ग टर्म रिलेटेबल अभियान देखा गया डिफेक्ट जो लॉन्ग टर्म में रिलेटेड केवल इसमें कमी क्या है इसमें क्या कमी थी इसमें क्या कमी रही देखिए पहला का बता रहा है देखो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर हाइड्रोजन की पोजीशन का क्लियरेंस नहीं किया गया हाइड्रोजन को कहां पर रखा जाए एल्केली मेटल के साथ रखा जाए या हैलोजन के साथ रखा जाए तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी दोनों से मैच करती है दोनों के रखने कारण इसका पोजीशन विवादास्पद है इसके पोजीशन में कंट्राडिक्शन है इसका पोजीशन सही से रखा नहीं गया है ये लॉन्ग टर्म पीरियोडिक टेबल का डिफेक्ट है दूसरा डिफेक्ट क्या है हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 1s2 है और 1s2 होने के कारण इसको s ब्लॉक की जगह मिलनी चाहिए जबकि इसको p ब्लॉक में रखा गया तीसरा डिफेक्ट है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हैज नॉट बीन मर्ज इनको इसके अंदर मर्ज नहीं किया गया है पीरियोडिक टेबल से अलग रखने का मतलब यह आपको क्या है कमियां है लॉन्ग टर्म पीरियोडिक टेबल की कमी है इसमें जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो दो यौगिक परिवार पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिलने कारण यह बात डिफेक्टिव है इसमें कहता है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हैज नॉट बीन मर्ज विद इन द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल पता है कि नामनक्लेचर जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है जो यूरेनियम के बाद वाला एलिमेंट है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 से ज्यादा वाले एटॉमिक नंबर का हम लोग आईपीएसी नाम काउंट कैसे करेंगे आईपीएसी मींस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री देखिए जीरो के लिए हम नेम करेंगे नील जीरो के लिए नील नील मतलब जीरो होता है जीरो के लिए नील और इसका सिंबल स्मॉल एल से लिखेंगे वन के लिए अन अन के लिए हम लिखेंगे स्मॉल यू टू के लिए बाई यूज करता है बी के लिए स्मॉल बी तीन के लिए हम लोग ट्राई यूज करते हैं इसलिए स्मॉल एस लिखाते हैं फोर के लिए क्वेड लिखते हैं क्वेड क्वेड मींस स्मॉल क्यू 5 के लिए पेंट लिखते हैं इसको स्मॉल पी से दिखाते हैं 6 के लिए हेक्स लिखते हैं इसके लिए स्मॉल एच दिखाते हैं 7 के लिए जेड लिखते हैं इसके लिए हम लोग स्मॉल एच दिखाते हैं 8 के लिए ऑक लिखते हैं इसके लिए ओ दिखाते हैं 9 के लिए ई लिखते हैं इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं ये एब्रिविएशन है ये एब्रिविएशन इसी सबको एलिमेंट को दिखाना है आईपीएसी नामनक्लेचर में जैसे हमने छोटा सा एग्जांपल लिया 120 120 120 120 1 2 0 1 2 0 1 means un 2 means by 0 means nil इसको हम क्या लिखें un by nilium इसका नाम क्या हो जाएगा 120 का एटॉमिक नंबर 120 का नाम क्या हो जाएगा un by nilium ये आईपीएसी नामनक्लेचर है इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल को हमने क्लासिफिकेशन दिया था पूरे पीरियोडिक टेबल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया ये देखा सारे एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी है क्या क्या मेन इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है क्या क्या कैरेक्टर है इस बारे में हम देखा इसके बाद